और वह पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान और चीन गठजोड़ की एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। ये बड़ी भूमिका का पर्दाफाश हुआ है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले में चीन में बने हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही PFF और TRF जैसे शैडो आतंकी संगठन चीन में बने उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुंछ हमले में भी चीन में बने हुए हथियार, बॉडी सूट, कैमरे और कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। तो चीन की मैसेजिंग डिवाइस का आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं पूरी तरह से चीन की तरफ से पाकिस्तान को आतंक फैलाने के लिए। अब हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, न सिर्फ हथियार, बॉडी सूट, कैमरा, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये तमाम चीजें चाइना अब पाकिस्तान को मुहैया करा रहा है और पाकिस्तान के जरिए उनके आतंकियों को मिल रहे हैं जिससे घाटी में आतंक फैल सके। मेरे सहयोगी अमित पांडे जुड़े हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। अमित, अब चाइना और पाकिस्तान की जो रिश्ते हैं पूरी तरह से खुलकर सामने आ चुके हैं। जी, इससे पहली बार ऐसा है कि लगातार एक साल में जम्मू के रीजन में इतना बड़े तीन हमले हुए और तीनों हमलों में पाकिस्तान निर्मित हथियारों के और इक्विपमेंट की जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जो इस्तेमाल करते हैं वह चीनी तकनीक द्वारा निर्मित है, ये जग जाहिर हो चुका है और बाकायदा इनका एनालिसिस किया गया। इसके बाद ये चीज सामने आई और तीन प्रमुख चीजें हैं जो आतंकी चीन तकनीक से निर्मित चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है बॉडी कैमरा, दूसरा है जो उनके पास स्नाइपर गन होती है और तीसरा जो कम्युनिकेशन डिवाइस, इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस। करीब आधा दर्जन ऐसे डिवाइस है जिन जो जब वो घुसपैठ करते हैं उसके बाद आपस में वह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक बड़ा गठजोड़ सामने आया है और इसको लेकर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह जवाबी कार्रवाई, जवाबी रणनीति बना रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि अभी तक तो पाकिस्तान और चीन के बीच वो आर्थिक गलियारे की चर्चा ही आप सुनते रहे होंगे ना, लेकिन आतंक को भी पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है चाइना। और ये पहली बार नहीं है जबकि आतंकी हमले में चीन में बने उपकरणों के इस्तेमाल होने का दावा किया गया है। इसके पहले भी खुफिया एजेंसी आतंक पर पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ का पर्दाफाश कर चुकी है। आपको चलिए उन तमाम उपकरणों के बारे में बताते हैं जो कि भारत में कायराना हरकत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन इसकी सप्लाई पाकिस्तान को करता है, वो कौन कौन से उपकरण हैं इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। स्नाइपर गन जो कि बनती चाइना में लेकिन पाकिस्तान में भेजी जाती है भारत में इस्तेमाल करने के लिए, इसके लिए आतंकी हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये हैंड ग्रेनेड भी चाइना का बना। इसके अलावा ड्रोन और बॉडी कैम, इसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान के आतंकी करते हैं लेकिन मुहैया उन्हें चीन की तरफ से कराया जाता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, दो आतंकी आपस में बात कर सके या अपने आका तक क्या स्थिति है उसके बारे में बताया जा सके, इसके लिए भी चाइना ही मदद कर रहा है पाकिस्तान को। देखिए, खुफिया एजेंसी ने आतंक पर चीन और पाकिस्तान गठजोड़ पर कई और बड़े खुलासे भी किए हैं। आपको बताते हैं कि आतंकी किस तरह से इन उपकरणों से भारत में कायराना हरकत को अंजाम देने की हमेशा फिराक में जुटे रहते हैं। देखिए, चीन में बनी हुई स्नाइपर गन का इस्तेमाल आतंकी करते हैं घाटी के अंदर और बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने का मंसूबा उनका होता है। पाकिस्तान से भारतीय जवानों को निशाना बनाया जाता है इन्हीं चीन के हथियार की बदौलत। नवंबर में इसी हथियार से जवानों को निशाना बनाया गया था, तब भी रिपोर्ट सामने आई थी जो हथियार मिले थे वो चाइना मेड थे और हमले के बाद चीन में बने कैमरे से बाकायदा तस्वीर ली जाती है। चीन की तकनीक से फोटो को मॉर्फ किया जाता है ताकि लोगों को बरगलाया जा सके। 2023 में तीन हमलों की अब तक ऐसी खबरें मिल चुकी हैं। इंस्क्रिप्टेड मैसेजिंग डिवाइस का इस्तेमाल भी आतंकी करते हैं जो चाइना की बनी होती है ताकि ये पकड़े ना जा सके। चीन का मैसेजिंग डिवाइस ये है जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है और इसी से आतंकी एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं। और भारत में नापाक हरकतों को अंजाम देने में चीन, पाकिस्तान और आतंकियों का बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसी ये दावा किस आधार पर कर रही है वो भी एक एक करके आपको बता देते हैं। देखिए, चीन से पाकिस्तानी सेना को सैन्य उपकरण मिलते रहे हैं। चीन पाक सेना को ड्रोन, हैंड ग्रेनेड सहित कई तरह के हथियार देता है। पाकिस्तान की सेना इन हथियारों को आतंकी संगठनों को दे देती है। इसके अलावा पाक सेना खास करके POK में मौजूद आतंकी संगठनों को यह हथियार देती है और इन्हीं का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ और आतंकी हमले में किया जाता है। इस दौरान चीन से मिले हुए हथियारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन चालबाज चीन और पाकिस्तान की इन हरकतों पर भारतीय एजेंसियों की पूरी तरह से नजर रहती है और यही वजह है कि भारतीय सेना पाकिस्तान और आतंक को गठजोड़ पर लगातार प्रहार कर रही है। देखिए चीन लद्दाख से भारतीय सेना का ध्यान बचकाने की कोशिश में लगा हुआ है, ये सब उसी के कवायद है। दावा यही किया जा रहा है कि इसी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में भारत को व्यस्त रखने की यह कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना लद्दाख और साथ ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह से इन दोनों जगह मुस्तैद है और यही वजह है कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान और चीन को करारा जवाब भी दे रही है। इसके साथ ही चीन पाकिस्तान गठजोड़ को नाकाम करने के लिए भारत ने सिक्योरिटी ग्रिड भी बनाई हुई है।